दोस्तों आप लोगों को पता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ऐसा हो सकता है कि अभी तो फिलहाल हो रहा है कि आधार कार्ड और लिंक कार्ड एक साथ कनेक्ट। अबे साले। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में कुछ दिनों में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और सारा चीज दोस्तों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। खत्म। तो इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, आपको क्या लगता है ये कनेक्ट होना आपके लिए सेफ है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा, कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं, मॉर्निंग में वीडियो डाला है दोस्तों, काफी जबरदस्त है, रियलमी के ऊपर बनाया हूँ, जाके जरूर देखिए। अब बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था कि भैया आपका जो टेम्पर्ड ग्लास है कितने दिनों में चेंज करते हैं। 35% लोगों ने कहा कि 2 साल के बाद चेंज करते हैं, और दोस्तों कुछ अल्ट्रा लेजेंड है जो 1 साल के अंदर चेंज कर देते हैं, जो 5% है इस तरह का है। कौन है ये लोग? आप दोस्तों अपना टेम्पर्ड ग्लास कितने दिनों में चेंज करते हैं कमेंट में। तो चलिए पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं गूगल की। गूगल का दोस्तों AI चैटबॉट आएगा जो ब्रेड करके दोस्तों आने वाला है। वो ऐसा बताया जा रहा है कि 1000 भाषा को सपोर्ट करेगा। बाय बाय। इस तरह की बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं गूगल की अगली खबर की। तो दोस्तों गूगल का IO जो होने वाला है 2023 वाला, वो 10 मार्च से शुरू हो जाएगा। इस तरह की कुछ अपडेट है और उसमें बहुत सारी चीज अनाउंस होने वाली। वहीं दोस्तों गूगल के तरफ से, मतलब यूट्यूब के तरफ से एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि जो फ्लैश एड्स होता है, जो यूट्यूब ऑन करते हैं डेस्कटॉप में फ्लैश एड होता है जो ऊपर में आता है, वो देखने को नहीं मिलेगा। उसको दोस्तों जो इसका एक्सपीरियंस है उसको खराब कर देता है, इसलिए उसको हटा रहा है गूगल। इस तरह की कुछ अपडेट है, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट। चलिए बात करते हैं दोस्तों फ्लिपकार्ट की। बिग सेविंग डे सेल फिर से शुरू होने वाला है, और इस बार दोस्तों iPhone 14 और नथिंग फोन में भारी डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जैसे ही डील्स आएगा हम आप तक वीडियो जरूर पहुंचाएंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट है नहीं है। और आपको कुछ लेना है तो कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे कि आज के डेट में उसको लेना वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, या किस प्राइस तक आपको लेना। चलिए बात करते हैं PS5 की। ऐसा बताया जा रहा है कि 10 मार्च तक इंडिया में फिर से स्टॉक आ जाएगा PS5 का। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जाके फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं एप्पल की। तो एप्पल के तरफ से दोस्तों iPhone 15 Pro जो आने वाला है उसमें अब AOD देखने को मिलेगा, और मोशन कुछ डिटेक्टर करके दोस्तों देखने को मिलेगा, जिसके हिसाब से बैटरी कंजप्शन बढ़ जाएगा। और जो दोस्तों iPhone 15 Pro होगा इसमें बैटरी काफी बड़ा दिया जाएगा इस बार। इस तरह की कोई न्यूज निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है ये बड़े बैटरी के साथ कितना महंगा होगा? अगर कुछ पता है तो कमेंट में जरूर। चलिए वक्त होता आपके सवाल लेने का। तो आदित्य नारायण का सवाल है कि पोको X4 Pro के लिए आप GCam का मतलब APK दीजिए या फाइल दीजिए, क्योंकि इनको GCam इंस्टॉल करना है। देखिए सबसे पहली बात, Redmi, Poco या Xiaomi का कोई भी फ़ोन में GCam का यूज़ मत करिए। अगर GCam का यूज़ करेंगे तो आपका कैमरा डेड हो सकता है। वैसे अगर आपको चाहिए तो हम टेलीग्राम में आपको दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आइए फॉलो करिए। वहाँ पर आपको GCam देते हैं, उसको इंस्टॉल करिए, फ़ोटो वगैरह क्लिक करिए, लेकिन उसका CVV फाइल आपको मतलब आप YouTube में सर्च करेंगे तो CVV फाइल के बारे में बहुत लोग बोलेगा कि इसको इंस्टॉल कर लीजिए तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अगर इंस्टॉल करेंगे तो आपका कैमरा डेड होने का खतरा जो है 90% हो जाता है। तो बस आप GCam को इंस्टॉल करिए, फोटो वगैरह क्लिक करिए, अगर अच्छा लग रहा तो रखिए वरना हटा दीजिए। तो इस तरह का कुछ आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए। चलिए बात करते हैं ओप्पो का Find N2 फ्लिप इंडिया में लॉन्च होने वाला है 13 मार्च को। लेकिन खास बात यह है कि इसकी प्राइस बाहर आ गई है 84,990 रुपीज़। आपको क्या लगता है इस प्राइस के साथ ये फोन वैल्यू फॉर मनी है? वैसे तो मुझे लग रहा कि हाँ है, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। चलिए बात करते हैं Samsung Galaxy M14। ये जो फोन है Exynos का 1330 प्रोसेसर के साथ आएगा, 50 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। यूरोप में ये लॉन्च हो चुका है, 13,500 रुपए बताया जा रहा है। इंडिया में क्या लगता है दोस्तों ये 5G फोन आएगा 13-14 हज़ार के रेंज में या 10 हज़ार के रेंज में ये लॉन्च हो जाएगा? अगर हो गया तो काफ़ी बड़ी बात है, आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए। चलिए बात करते हैं Redmi 10 की। इंडिया में लॉन्च हो चुका है एक ऑरेंज कलर पे दोस्तों Redmi 10, जिसका प्राइस है 9,999। आप लेना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर। चलिए बात करते हैं Vivo का X Flip एक फ़ोन आने वाला है 8+ Gen 1 फ्लैप प्रोसेसर के साथ, जिसमें 120Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो है फ्लेक्सिबल होगा, मतलब मुड़ जाएगा। कैमरा जो है इसका 50+12 मेगापिक्सल का होगा और काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। वैसे इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए आपको अगर कुछ पता है तो कमेंट में जरूर। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म।
होली था। वैसे आप सबको हमारे तरफ से हैप्पी होली, कल भी हम बोल दिए थे, आज भी बोल दे रहे हैं। वैसे आप में से कितने लोग रात जाग कर शबे बारात कर रोज़ा रखे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों बात करते हैं आप डील्स की, तो नथिंग फोन वन में दोस्तों 6000 का होली के लिए डिस्काउंट मिल रहा है, तो जाइए देखिए खरीदिए और बताइए आपको किस ऑफर में मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। होली जो है आराम से खेलिए और रोज़ा रखे हैं तो अफ्तार में क्या खा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो।